फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग चैप्टर सेट्स का फिफ्थ लेक्चर कवर करने जा रहे हैं और इसमें भी हम लोग टर्म्स एसोसिएटेड टू सेट्स को कवर करेंगे। ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, कुछ टर्म्स रह गए थे तो अभी हम लोग उन टर्म्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला टर्म जो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं वो है सबसेट। तो अभी सबसेट क्या होता है, सबसेट की डेफिनेशन देखिए यहाँ पे लिख लिया मैंने। अ सेट ए, कोई अगर सेट ए है, इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी, उसको हम लोग सेट बी का सबसेट कहेंगे। कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, अगर ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स बी में भी प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं, तो हम लोग ए को बी का सबसेट बोल देंगे। और मैथमेटिकली हम लोग इसको ऐसे डोनेट करते हैं, ये सी नहीं है, इसको कंफ्यूज मत होना इसमें आप, ये एक ऐसा सिंबल है जिसको हम लोग कंटेंट बोलते हैं। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और इस सिंबल को क्या बोलते हैं, ए इज कंटेंट इन बी। तो ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है कि अगर कोई एलिमेंट है ए के अंदर, सपोज एक स्मॉल ए एक एलिमेंट है जो कैपिटल ए मतलब कि सेट ए में प्रेजेंट है, तो वो एलिमेंट ए सेट बी में भी प्रेजेंट होगा। और एक चीज और यहां पर, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि देखो सबसेट की डेफिनेशन क्या है, अगर एक सेट ए के एलिमेंट सेट बी में भी प्रेजेंट है तो हम ए को बी का सबसेट बोल देंगे। और हर एलिमेंट, अब देखो अगर ए की जगह मैं बी लिख दूं तो क्या ये बात दोबारा ट्रू नहीं हो जाएगी कि ए के सारे एलिमेंट ए में तो प्रेजेंट होंगे, इसीलिए एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो अभी इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही है या कुछ समझ नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन के थ्रू इजिली समझ आ जाएगा। चलो तो ये तीन क्वेश्चन कर लेते हैं अभी। तो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द सेट्स 5 मतलब एक नल सेट ए जिसमें दो एलिमेंट्स हैं 1 और 3, बी जिसमें तीन एलिमेंट्स हैं 1, 5 और 9, और सी जिसमें एलिमेंट है 1, 3, 5, 7 और 9। तो अभी हमें ये चार ऑप्शंस दिए हैं और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, इसमें हमें ये सिंबल फिल करना है कि वेदर 5 इज अ सबसेट ऑफ बी और नॉट, whether A is a subset of B or not, similarly यहाँ पे भी। तो phi क्या होता है, null set, null set मतलब एक ऐसा set जिसमें कोई भी element ना हो। तो जिस तरह से every set is a subset of itself, उसी तरीके से phi जो है, phi is a subset of all the sets, कोई भी set हमें given हो x y z कुछ भी, phi हर set का subset होगा क्योंकि phi में तो खुद कोई element है ही नहीं, तो phi is a subset of B हो जाएगा। ऐसे ही अगर ए और बी की बात करें तो देख लो ए में क्या एलिमेंट्स है, 1 और 3, क्या वो बी में प्रेजेंट है, 1 तो प्रेजेंट है पर 3 प्रेजेंट नहीं है, तो ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है। तो हम लोग नॉट अ सबसेट के लिए कौन सा सिंबल लगाएंगे, जो सबसेट के लिए होता है वो सिंबल, और फिर उसको इस तरह से स्ट्राइक थ्रू कर देंगे, काट देंगे। तो हो गया ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ए और सी को कंपेयर कर लेते हैं, ए में 1 और 3 है, अगर सी में 1 और 3 प्रेजेंट है तो यहाँ पे कंटेंट हो जाएगा। तो ये देखिए सी में 1 और 3 प्रेजेंट है, इसलिए ए इज अ सबसेट ऑफ सी, क्योंकि सेट की सबसेट की डेफिनेशन क्या है, अगर ए में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो बी में भी प्रेजेंट हैं तो ए बी का सबसेट हो जाएगा। तो यहां पर देख लीजिए 1 और 3 प्रेजेंट है सी में भी, तो ये इसका सबसेट हो गया। पर रिवर्स ट्रू नहीं होगा, सी जो है वो ए का सबसेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सी में 1, 3, 5, 7, 9 पांच एलिमेंट्स हैं और ए में सिर्फ 1 और 3 है, 5, 7, 9 तो प्रेजेंट नहीं है, तो सी जो है वो ए में कंटेंट नहीं हो रहा है, तो सी ए का सबसेट नहीं है, ए जरूर सी का सबसेट है। बी और सी को देख लेते हैं, बी में क्या एलिमेंट्स हैं, 1, 5 और 9, तो क्या सी में 1, 5 और 9 प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है 1, 5 और 9, तो बी जो है वो भी सी का सबसेट हो जाएगा। अभी उसके बाद क्वेश्चन है, लेट ए, यहां पर एक सेट हमें गिवन है, इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी डी। तो ए में जो एलिमेंट्स है वो है ए ई आई ओ यू और बी में जो एलिमेंट्स है वो है ए बी सी और डी। तो इज ए अ सबसेट ऑफ बी, क्या सेट ए जो है वो बी का सबसेट है, तो ए बी का सबसेट होने के लिए क्या होना चाहिए कि ए ई आई ओ और यू बी में प्रेजेंट हो। क्या ए ई आई ओ यू बी में प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है पर ई आई ओ यू प्रेजेंट नहीं है, तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है।
इज बी अ सबसेट ऑफ ए? क्या बी ए का सबसेट है? तो अभी देख लेते हैं बी में क्या है, ए बी सी डी, क्या यहां पर ए बी सी डी प्रेजेंट है? यहां पर ए प्रेजेंट है पर बी सी डी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए बी इज ऑल्सो नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ना तो ए बी का सबसेट है और ना ही बी जो है वो ए का सबसेट है। तो अभी लास्ट क्वेश्चन ये है, लेट ए बी एंड सी बी थ्री सेट्स इफ ए बिलोंग्स टू बी। याद रखना ये कंटेंट नहीं, यहाँ पे बिलोंग्स करना है। इफ ए बिलोंग्स टू बी एंड बी इज कंटेंड इन सी, इज इट ट्रू दैट ए इज कंटेंड इन सी? इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल। तो अभी हमें यहाँ पे बिलोंग्स टू की जगह अगर कंटेंट गिवन होता तो क्या होता, ए इज कंटेंड इन बी एंड बी इज कंटेंड इन सी, अगर ये गिवन होता तो आप बंद करके आप कह सकते हो कि जी बिल्कुल हाँ, ए के भी सारी एलिमेंट्स सी में कंटेंट होंगे। कैसे? सपोज ए इज कंटेंट बी, ए में एक एलिमेंट मान लिया मैंने 1, बी में मैंने मान लिया 1 और 2। तो देखो क्या हो रहा है, ए जो है वो बी द्वारा कंटेन हो रहा है, ए के सारे एलिमेंट्स बी में भी है तो ए इज कंटेंट इन बी, या फिर ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और ऐसे ही अगर बी तो सेम रहेगा भी, तो बी 1 2 हो गया, और सी को हम क्या लिख दें, सी को लिख देते हैं 1 2 और 3, या फिर सी को कुछ भी लिख लो, आप कितने भी एलिमेंट लगा लो उसमें बी के सारे एलिमेंट्स मतलब ये सारे एलिमेंट्स तो लिखने ही पड़ेंगे, और वैसे ही बी में ए के सारे एलिमेंट्स मतलब ये है ये लिखने पड़ेगा, अगर हम मान के चल रहे हैं कि ये कंडीशन ट्रू है। तो जब भी ये होगा तो देखो ए क्या था, ए में क्या एलिमेंट था 1 था, तो वो हमेशा बी में भी आएगा ही क्योंकि वो ऐसा गिवन है, और बी में आएगा ही और हमने बी कंटेंट इन सी लिखा है तो सी में भी बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो अल्टीमेटली इससे हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि ए में भी सारे एलिमेंट सी के आएंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कंटेंट नहीं, बिलोंग्स टू गिवन है, ए बिलोंग्स टू बी, तो क्या ए बिलोंग्स टू बी के बाद ही कंडीशन ट्रू होगी? तो चलिए देख लेते हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अगर मैं ए को 1 मान लू, ठीक है, ए में एक एलिमेंट है 1, तो अब ए बिलोंग्स टू बी मतलब हमें बी एक ऐसा सेट लिखना पड़ेगा जिसमें ये पूरा आ रहा हो, ये एलिमेंट नहीं ये पूरा सेट आ रहा हो। क्यों? क्योंकि ए बिलोंग्स टू बी लिखा है, तो बी जब मैं सेट लिखूंगा तो मुझे इसमें एक सेट के अंदर सेट लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ए बिलोंग्स टू बी लिखा है तो इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया जो कि एक सेट है, ए सेट, तो वो 1 आ गया, और बी के खुद के एलिमेंट मान लो मैंने 2 मान लिया। अभी क्या है, बी इज कंटेंड इन सी, तो मुझे एक सी सेट ऐसा लिखना है जिसमें बी के सारे एलिमेंट्स हो। क्यों? क्योंकि बी इज अ सबसेट ऑफ सी। तो अभी बी में देखो 2 ही तो एलिमेंट्स हैं, एक ये सेट है तो उसको लिख लेंगे 1, एक ये 2 है, और चलो एक एलिमेंट कोई और ले लेते हैं 3, तो ये 1 2 3 हो गया। अभी अगर मैं ए और सी को कंपैरिजन करूं तो क्या ए इज कंटेंड इन सी, ये आ रहा है, ए इज कंटेंड इन सी का क्या मतलब है कि ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सी में भी हो। ए में कौन सा एलिमेंट है 1, क्या यहां पर कहीं पे भी 1 एलिमेंट प्रेजेंट है सी में? क्या कहीं पे भी 1 एलिमेंट प्रेजेंट है? 1 ये प्रेजेंट तो है आप कहोगे, पर ये एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, ये क्या है, सेट है पूरा, तो इंडिविजुअल 1 नहीं प्रेजेंट है, हमारे पास एक 1 का सेट प्रेजेंट है, 1 तो प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि ए इज नॉट कंटेन इन सी, हमने प्रूफ कर दिया। क्यों? क्योंकि ये रहा एक एग्जांपल आपके सामने, देखो हमें ए बिलोंग्स टू बी दिया था, ये एग्जांपल हमने लिखा तो ए बिलोंग्स टू बी हो रहा है, बी कंटेन इन सी लिखा था, बी इज अ सबसेट ऑफ सी, तो बी और सी भी यहाँ पे सबसेट बन रहे हैं, पर ए सी में नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 1 प्रेजेंट नहीं है। अगर हम अलग से यहाँ पे 1 लिख देते तो ये कंडीशन तो ट्रू हो जाती, बट जरूरी नहीं है कि हम ये 1 लिखें, ये 1 अगर नहीं लिख रहे हैं हम तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है। क्वेश्चन में हमें 1 के ऊपर कोई कंडीशन गिवन नहीं है, जैसे हमें सिर्फ 2 कंडीशन गिवन है कि ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, तो अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं तो क्या हर बार ऐसा होगा कि ए सी का सबसेट बन जाए? तो जी नहीं, हर बार नहीं होगा, सिर्फ तब होगा जब हम सी में भी पहले से ही ए का एलिमेंट खुद ही लिख लें, तो वो हम नहीं लिखेंगे तो नहीं होगा, तो ए इज नॉट कंटेन्ड इन सी। ओके चलो, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल्स ऑफ अ सेट। तो एक सेट में 2 टाइप के इंटरवल होते हैं, एक होता है ओपन इंटरवल और एक होता है क्लोज्ड इंटरवल। तो ये इंटरवल क्या है, सपोज मुझे एक सेट गिवेन है ए, और ये एक रेंज में मुझे गिवेन है कि 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर हैं वो इस सेट में आते हैं, तो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं a 1, 10, तो इसका मतलब ये है अगर मैंने ये ब्रैकेट्स लगाए
तो इसका मतलब ये है कि जो एलिमेंट्स इसके हैं स्टार्टिंग और एंडिंग के, मतलब कि 1 और 10, वो इस सेट में इंक्लूडेड है। मतलब ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सेट फॉर्म में लिखूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये ब्रैकेट्स जब भी हम लगाते हैं तो ये होते हैं क्लोज्ड इंटरवल के लिए, और इसमें जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं मतलब 1 और 10 वो इंक्लूड हो रहे हैं। अगर मैं यहां पर a इज इक्वल टू 1, 10 ये वाले ब्रैकेट लगा दूं, तो इसका मतलब होता है ये ब्रैकेट हम ओपन इंटरवल के यूज करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि जैसे ही मैंने 1, 10 के साथ ये ब्रैकेट्स लगा दिए तो ये जो एंड पॉइंट्स हैं 1 और 10 ये मेरे सेट में नहीं आएंगे। अब 1 के बाद से मेरी काउंटिंग शुरू होगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और बस। मोर ओवर ये तो मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिख दिया कि 1 और 10 इंक्लूड होंगे और 1 और 10 इंक्लूड नहीं होंगे। जब भी हम एक सेट को इन ब्रैकेट्स की जगह इनसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक एलिमेंट नहीं है, ये चीज एक्चुअली इनफैक्ट ऐसी है भी नहीं, ये ऐसी नहीं है, ये कुछ ऐसा है कि अगर मैं नंबर लाइन बना दूं 1 से 10 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो 1 और 10 जो है, जब मैं ये वाला ब्रैकेट लगाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट, तो 1 और 10 पे ऐसी डॉट डॉट लगाते हैं कि 1 और 10 भी इंक्लूडेड हैं और इनके बीच के सारी वैल्यूज इंक्लूडेड हैं। अब आप कहोगे कि अभी आपने सारी वैल्यूज ही लिखी थी, फिर वो क्यों बता दी? सारी वैल्यूज का मतलब है कि जो यहाँ बीच में आएंगी वैल्यूज 1.2, 1.3, मतलब सारी रियल वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो क्या होगी नेचुरल वैल्यूज, यहाँ पर सारी रियल वैल्यूज भी इंक्लूड होगी, 1.2, 1.3, 1.4, 5, 6, 1.5, वो सारी वैल्यूज भी इंक्लूड होंगी। इसलिए हम लोग इन ब्रैकेट्स का यूज कर रहे हैं एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। इस ब्रैकेट का मतलब है कि 1 और 10 के बीच में आने वाली सारी रियल वैल्यूज, और इस ब्रैकेट का सिग्निफिकेंस क्या है कि 1 और 10 को भी इंक्लूड करेंगे। और जब मैं इसको मैं क्लोज्ड इंटरवल बोल देता हूं, जब ओपन इंटरवल की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 और 10 के बीच में आने वाली सारी वैल्यूज एक्सेप्ट 1 एंड 10, 1 और 10 को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा उसमें, ये ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और जैसे यहाँ पे डार्क डॉट लगाई थी ना, ये ऐसे यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे, हॉलो सर्कल, अंदर से खाली है, ये हॉलो अंदर खाली है, डार्क नहीं है, ये अंदर भी पूरा शेड कर दिया था ना, ये ऐसे खाली रहेगा अंदर, ये नहीं होगा। ये तो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है, उसका मतलब ये है जो मैंने समझाया कि जब भी स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे या जब भी हम कह रहे हैं कि क्लोज्ड सेट, क्लोज्ड इंटरवल है सेट का, तो उसमें एंड वैल्यूज 1 और 10 इंक्लूड होंगी, और जब भी ओपन इंटरवल होगा या फिर ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ आपको दिख जाएगा तो 1 और 10 इंक्लूड नहीं होगा। चलो तो अभी देखते हैं पावर सेट क्या होता है, दो डेफिनेशन हमारे पास बची है, उसके बाद इस लेक्चर को क्विकली खत्म करते हैं। तो पावर सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। मतलब कि अगर मेरे पास कोई सेट ए है, सपोज 1, 2, तो अब इसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे उन सबको मिला के अगर मैं एक सेट बना दूं तो मैं उसको पावर सेट ऑफ ए बोलूंगा। तो अब इसके सबसेट क्या हो जाएंगे, a इज इक्वल टू 1, 2 के। एक तो देखो मैंने क्या कहा था, phi सबका सेट वो होता है सबसेट, एक इसका सबसेट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 इसमें प्रेजेंट है। एक इसका सबसेट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 इसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट है। और एक इसका सबसेट, जैसे कि हमने किया था एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो एक a का सबसेट क्या हो जाएगा 1 खुद, मतलब कि 1 और 2, मतलब इस a इज इक्वल टू 1 और 2 का ये चार हमारे पास सबसेट बनते हैं। तो अगर मैं इन सारे सबसेट को लेके एक सेट बना दूं तो हम उसको पावर सेट ऑफ a बोल देते हैं और p ऑफ a से डिनोट करते हैं उसको। तो अगर a ये है जैसा यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो p ऑफ a क्या हो जाएगा, p ऑफ a एक सेट हो जाएगा जिसमें ये सब इंक्लूड होंगे, 5, 1, 2, 1, 2। तो अभी देखो ये क्या लिखा है, इन पावर सेट ऑफ ए एवरी एलिमेंट इज अ सेट। तो पावर सेट जो बना ना हमारे पास
उसमें देखो सारे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है, 5, 1, 2 और 1.2, ये सब एक सेट है खुद में। तो इन पावर सेट ऑफ ए एवरी एलिमेंट इज अ सेट। अभी ये एक फॉर्मूला है, ये आप याद कर लेंगे कि अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, जैसे यहाँ पे कितने एलिमेंट्स थे, 2 एलिमेंट्स थे, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट a इज m, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a, अगर किसी सेट में m एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में 2 टू द पावर m एलिमेंट्स होंगे। देख लेते हैं क्या ये कंडीशन यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे सेट a में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, 2 की पावर 2, मतलब 2 टू द पावर 2 2 स्क्वायर, वो कितना होता है 4। और हमने यहाँ पर देखा इसके सबसेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, बिल्कुल सेटिस्फाई हो गई। इनफैक्ट इसी केस में नहीं, आप कोई सा भी केस लेंगे तो उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ये देने का फायदा क्या है कि सपोज यहाँ पे आपको ए के सबसेट बोले गए होते लिखने को, तो आप देखते कि 1 और 2, और आप लिखना शुरू करते 5 1 2 और 1 2, चलो यहाँ तो 2 ही थे तो इजी था, और आप बाय चांस आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि इसके सबसेट फॉर्म करो, तो आप एक बार ये निकाल लेंगे 2 टू द पावर m से मेरे कितने बन रहे हैं, और फिर कंपेयर कर लेंगे कि जितने आपने निकाले हैं क्या वो उससे कम तो नहीं हो रहे। मतलब सपोज मैं भूल जाता कि 5 भी तो लिखना होता है, और मैं सिर्फ 1 2 और 1 2 लिख देता क्वेश्चन में, तो मेरे मार्क्स कट जाते क्योंकि मैंने 3 ही लिखे, जबकि 4 होने चाहिए। तो ये फॉर्मूले से मुझे पता चल जाएगा कि एक कोई सा एलिमेंट मेरा मिसिंग है, और फिर मैं उसको भी कैलकुलेट कर लूंगा। चलो तो ये लास्ट डेफिनेशन हमारे पास बची है, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, बेसिक सेट, एक कॉन्टेक्स्ट में जिस भी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं उसका एक बेसिक सेट। जैसे कि अगर हम कुछ सेट्स की बात कर रहे हैं जो नंबर्स से एसोसिएटेड है, नंबर्स से 1 2 3 4 इस तरह के नंबर्स से एसोसिएटेड है कोई भी सेट, तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें सारे हर तरह के नंबर्स, इंटीजर्स हो, इंटीजर्स को हम जेड से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, रैशनल नंबर, हर तरह के नंबर जिस सेट में प्रेजेंट होंगे उसको हम यूनिवर्सल सेट बोल देंगे। ये एक तरह से फादर सेट है, मतलब कि जितने भी सेट बने हैं वो सब इस यूनिवर्सल सेट में कंटेन होंगे, मतलब इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे। तो यूनिवर्सल सेट बेसिकली एक फादर सेट है, जैसे यहाँ पे देखा कि नंबर्स की बात हो रही है तो जिस सेट में सारे नंबर्स होंगे वो नंबर सेट। अगर मैं ट्रीज की बात करूं तो ट्रीज के अगर हम लोग सेट बना रहे हैं, सपोज लंबा ट्री, छोटा ट्री, मोटा ट्री, पतला ट्री, तो एक यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट होगा जिसमें हम कह देंगे कि सारे तरह के ट्रीज प्रेजेंट है, छोटे लंबे पतले मोटे हर तरह के। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट, और इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए अपने डाउट्स, और अगले वीडियो में हम इस वीडियो से एसोसिएटेड क्वेश्चन करेंगे, तो वहां पे भी आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगर यहाँ से कुछ मिसिंग रह गया है तो वो वीडियो भी जरूर देखना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इजीली वीडियो को एक्सेस कर पाएं और आपको अपडेट्स मिलते रहे जब भी आपके लिए कोई वीडियो डाली जाए। थैंक यू।